हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है मेरा आज की न्यू ब्लॉग में। आई होप गाइज आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और गाइज आशा करता हूँ कि आप लोगों ने पहला पार्ट ब्लॉग का देख लिया होगा, फेयरवेल का। तो गाइज जो पहला वाला पार्ट था तो उसको मैंने ना पूरा नहीं डाला था, क्योंकि आप लोगों को पता है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और मैंने कंप्लीट ब्लॉग डालना है फेयरवेल का, इसलिए मैं पूरा ब्लॉग डालूंगा। तो अभी मैं पार्ट टू डालूंगा और गाइज जो पार्ट थ्री भी ही इसका आएगा, क्योंकि वीडियो और लंबी थोड़ी सी हो गई, मेरे को नहीं पता था। बट टाइटल वाइटल थे और दो चार डांस परफॉर्मेंस थी और एंड में डिनर का बोल रहा हूँ, मैंने खाना पीना भी था, हम लोगों का लंच था, तो इसलिए मैंने उस वीडियो को भी अटैच करूंगा इसी में। तो मैं जो कंप्लीट ब्लॉग होता है मैं वो दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि ये नहीं है कि हमने इनकम्प्लीट ऊपर से ब्लॉग दिखा दिया, जल्दी जल्दी दिखा दिया, ऐसा नहीं। पूरा ब्लॉग होगा क्योंकि इनकेस, क्योंकि उसमें हमारी बहुत सारी मेमोरीज भी है और कॉलेज के बच्चे जो आने वाले हैं और जाते रहते हैं तो वो भी कॉलेज की मेमोरी देखेंगे, हम लोगों का फेयरवेल देखेंगे और उसमें हमारी बहुत सारी मेमोरीज भी हैं, तो सबकी यादें रहती है। तो इसलिए मैं उसको पूरा डालूंगा कि जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो भी लाइफ टाइम अपने ब्लॉग को हम लोग देख सकें। तो गाइज़ आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि मैंने पूरा ब्लॉग क्यों डाला, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स ने भी बोला था, टीचर्स ने भी बोला था कि पूरा ब्लॉग डालना, हम लोग बाद में भी देख सकें और दूसरे भी बच्चे होते हैं उनको भी दिखा सकते हैं कि हम लोगों के कॉलेज में ऐसा फेयरवेल बना था पिछले साल। तो बच्चों को इंस्पिरेशन मिलता है, देखते हैं कि क्या चीज़ कैसे होती है और उसी हिसाब से वो रेडी भी हो सकते हैं और प्रिपरेशन भी कर सकते हैं अपनी फेयरवेल के अकॉर्डिंग। तो गाइज़ इंजॉय करें और देखते रहिए आगे का फुल ब्लॉग। देखो सीट घेर रहा है, ये इंडियन फेयरवेल में सीट घेर के हुए दिखाते हैं आज रैमबॉक पर ये सारे कंटेस्टेंट इन लोगों के। तो चलो गाइस चलते हैं रैमबॉक के लिए, फिर मिलते हैं आप लोगों से रैमबॉक की वीडियो।
मनीष की बातें खत्म नहीं हो रही है गाइस। देखो मनीष बतला रहा है। क्या कर रहा है? बतला रहा है, बतलाइए करता है। ये रैमबॉक के लिए खड़ी है हमारी टर्न। आई वांट द सीनियर्स हु हैव लेफ्ट प्लीज कम ऑन द स्टेज फॉर द रैमबॉक। सॉरी फॉर द मिसकंसेप्शन। सॉरी सीनियर्स प्लीज कम ऑन द हम तो अपने कोशिश करते हैं आपका ये वेलकम कर रहे हैं। डॉक्टर सुमन तरेजा, डॉक्टर सुनीति आहूजा मैम आपसे रिक्वेस्ट है आप भी आगे आ जाएं। खाने पीने का आइटम आ रहा है गाइस, अभी देखना सारे टूट पड़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ग्रेसिंग द ओकेजन मैम। फेयरवेल हमारी, इसको तो भूख लग रही है, बोरिंग लग रही है। प्लीज गिव अ यूज़ ऑफ अप्लॉज बस अप्लॉज अप्लॉज करते हैं। अप्लॉज नहीं रह जाता इनका, लिप लॉस निकल जाएगा अप्लॉज से। ए फ्रूटी, अरे अदिति गाइस अब डांस हो रहा है, मैं आपको डांस की वीडियो खाने पीने का स्नैक्स लग रहे हैं। अगर वो कोई डांस मिमिक्री सॉन्ग इतनी घटिया, समझ नहीं आ रहा कि पैसे बर्बाद कर दिए। अभी करते रहे इन लोगों ने, क्या प्रिपरेशन करा है फिर सारे देखना खाने पीने के लिए जाएंगे गाइस। टीचरों को दे रहे हैं खाने पीने के लिए, हम लोगों की टर्न आई नहीं है अभी तक। गलत बात है ना ये, हमने भी पैसे दिए, हमें भी चाहिए। मैं बोलता रहा हूँ भूख लग रही तो गलत बात है ना, हमें भी तो खाना है। देखना आगे आगे जा रहा है विवेक सर। विवेक सर विवेक सर वीडियो अरे देखो भाई, देखना भाई गलत बात है ना ये देखो। हमारी तो फोटो ही नहीं है, जानवर ही कह दो फिर। पंखा तोड़ते ओ इतनी मेहनत से मिलता छीन लेते। हट फ्रेंच फ्राइज बचा है, तुम्हें नहीं मिला जो यहीं आ रहे हो मरने। अरे वहां चल आ गया आ गया। अच्छा
कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रही थी यहाँ पर खाने पीने की। सुंदर लग रही है तू आज। वो तो लगी रही थी, उसको मैंने पहले ही देख लिया था। और अंकिता भी सुंदर लग रही है। अंकिता एक ये जीरा पिला दे, कॉम्प्लीमेंट दो दे रही है। चलिए मिलेंगे जब डांस करेंगे, जब बनाऊंगा। आदरणीय मेरे सभी टीचर्स, प्रिंसिपल मैम, मैडम डीन आर्ट्स डॉक्टर सुनीति आहूजा, हमारे स्टाफ सेक्रेटरी, हमारे डीन एग्जाम डॉक्टर शिवानी, कॉलेज को शाम को दूर दूर तक पहुंचाती है डॉक्टर रुचि, मैडम डॉक्टर अंजू और मेरी दोस्त डॉक्टर रचना भाटिया। दोस्त का नाम हमेशा बाद में लिया जाता है। और हमारे सबसे बड़े डिपार्टमेंट बीसी और बीबीए की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं, साइंस की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं, और बीजेएमसी और सभी टीचर्स आर्ट्स के। और मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो अवसर है विदाई का अवसर है, और विदाई में अक्सर आंसू आते हैं, बिछोड़ना होता है, लेकिन ये जो बिछोड़ना है ये एक खुशी का बिछोड़ना है। अगर हम इस बात को समझे कि हम इस कॉलेज में ही रहे, ऐसा तो हो नहीं सकता। प्लीज मैं सबको सिर्फ मुझे एक मिनट ही चाहिए। आशीर्वाद आपने लिया, आपने जो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड थी वो पढ़ाई की, लेकिन इसके अलावा इस कॉलेज में आपने बार बार जा रहा है पकौड़े की तरफ, जो एक सामाजिक प्राणी को। दोस्तों, हमारी प्रेरणा स्रोत, हमारी आदर्श, हमसे बच्चों का भविष्य संवारने को सदा आतुर और चिंतित कोमल हृदय प्रधानाचार्य मिस्टर रूपी, वाइस प्रेसिडेंट एलुमनी एसोसिएशन डीवी सेंट्रल कॉलेज के श्री संदीप सिंह जी भी स्टेज पे आए। और दो सब बिल्कुल सर, सर प्रेरणा स्रोत हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं सर, एक बिग राउंड ऑफ अप्लॉज श्री संदीप सिंह। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द बीए फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हु आर गोइंग आउट एंड गुड आफ्टरनून हो रहा है। गिर गई रास्ते में, यहाँ सही है। लोग कहते हैं कि हम लड़के इंतजार में पाती हैं और यहाँ इन जनाब का ही कुछ ज्यादा पता नहीं है। अरे मैडम रुको, मैं जरा सा लेट क्या हुआ, मेरे कान खींचने शुरू कर दिए। नमस्कार मेरे सभी अध्यापकगणों को, मेरे मित्रों को सत श्री अकाल, आदाब, केम छोड़, भाई मनवा, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। एक बार जूनियर शोर करके बताए जूनियर्स कितने यहाँ पे,
आप सबको ममता मैम। चलो हमें हिंट देते हैं आपको, हम आपको हिंट देते हैं, आप गेस करना। बहुत स्वीट है आपकी वॉइस, पसंद नहीं कर रहा आपको क्लास में वॉइस, चाहते हैं हमारा फ्यूचर हो ब्राइट, डिमांड आपकी, हमारा आंसर इज ऑलवेज राइट। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। Next title. So the title is Miss Ambitious Achiever. And yes, yes. Hello. Discipline में रहना जिन्होंने सिखाया, मेहनत ईमानदारी का पाठ पढ़ाया, वो है हमारी सर्वश्रेष्ठ अध्यापिका। अब तो guess करो। नहीं नहीं। ये हमारे लिए था, उनके लिए था। मुझे नहीं जानती मैडम, मुझे आपका मुस्कुराना पसंद। हाँ मैम को पता चला है कि बीकॉम बोल दिया, अब मैम वापस रिपीट करेंगी। हाँ जी करेक्शन करेंगे, मैम ने कहा है कि मैंने बीकॉम के बच्चे बोल दिए, बच्चे को साइड साझे होते हैं। किसी को दिल का घुमाना पसंद है, किसी को दिल का नजराना पसंद है। मैं कॉलेज की प्रिंसिपल और मैडम सुनीति आहूजा की बात तो नहीं करती, लेकिन डॉक्टर अर्चना भाटिया को बीए पास के स्टूडेंट्स का दिल से मुस्कुराना है। ओके थैंक यू सो मच। यार ये तो आपको पता होगा, पॉल वाले बच्चे अच्छे से जानते हैं, हमारे मैम है यार। देखो अंजलि, अंजलि प्रकाश करो करो, तुम मेकअप करो, आप टाइटल सुन लीजिए पहले, उसके बाद गेस्ट करना। कर बेबी फ्रेंड्स ऑसम है, इनको कोई नहीं गम, सबसे हंसकर कहती है साथ है तेरे हमेशा हम। एनी गेसेस? डॉक्टर इमरान मैम। वाओ डिमांड, हम बच्चों की हर समस्या का समाधान है आपके पास, तभी तो आप हमारे दिलों पर करती हैं राज। ममता यार, हमें चार
चार टीचर पढ़ाते हैं और 12 पूछेंगे तो हम लोग तो नहीं बता पाएंगे ना उसमें, तो हम तो केवल उन्हीं को बताएंगे जिनको हम लोग जानते हैं। अब ये मैम हिस्ट्री पढ़ाती है तो हमें क्या पता, हमें ये मैम पढ़ाती है इमराना मैम। अक्सर हमें पढ़ाती, अक्सर हमें सिखाती, शब्द का अर्थ बताती, कभी प्यार से कभी डांट से जीवन जीना हमें सिखाती। प्रियंका मैम सही तो बोला था। गाने खत्म हो गया, नेचर इनका सुपर रूल करती नहीं कोई भी भूल, हाइट है इनकी लंबी सी सब पर करती प्यार से रूल। आवर मिस डॉक्टर प्रियंका मैम, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। Yeah!
रागिनी की तो स्टेज है नहीं, फिर भी आपकी बहुत बहुत विशेष है, शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं कामनाएं। रुको जरा, सबर करो, आपको अपनी मंजिल मिले। केवल मैं एक गीत की एक लाइन सुनाऊंगा, देव पीछे जाइए। ए दूर हो जाओ, दूर हो जाओ भाई। डॉक्टर अमित सर, हमें सिखाते अच्छी बातें, चाहे हम उन्हें सर कभी लड़ाई सुलझवाते, हमें सिखाते अच्छी बातें सर सुलझाते लड़ाई, अभी जो हो गई इतनी तगड़ी लड़ाई, ताकि कोई स्टूडेंट ना रहे अनजान। डॉक्टर अमित सर, ये विजय मैम लड़कियां क्यों छू पता, मना करा था यार इन सब चीजों के लिए, तब भी ठीक है। चलो टाइटल सुन लो, आते हैं आप, झूठ क्या है सच क्या है ये बात समझाते हैं आप, जब कुछ सूझता नहीं तो राहों को सरल बनाते हैं आप। एनी गेसेस? देव सर यार बहुत अच्छा है, नाम होता है, नाम बोलो। यस देव सर, प्लीज कृपया अपना फोन को देखता सर। सर भी गर्मी में आ गए सर भी। प्यारी सी पर गुस्सा थोड़ा सा करती है, अंग्रेजी का देती ज्ञान हमें, पूरी क्लास इनसे डरती है। शिवानी मैम, मिस शिवानी मैम, यस प्लीज वेलकम मिस शिवानी मैम, प्लीज मैम कम ऑन द स्टेज। Thank you so much guys and all the best for your future endeavors. Thank you. Thank you ma'am. So, कल से खाना नहीं खाया इन्होंने। यार हम लोग टाइगर देख रहे हैं, हमारी क्लास की टीना तमन्ना ज्योति इतनी इतनी मेहनत की है और आप लोग एक तालियां नहीं बजा सकते। विवेक फ्रॉम विवेक सर। हाँ हाँ भाई टाइटल तो सुन लो। बोले इस बात का कम नहीं, पर आपका मुस्कुराने का अंदाज बोलने से कम नहीं। मिस्टर विवेक फ्रॉम विवेक सर, ये इतना ही कहना चाहूंगा कि आज का दिन तुम्हारा कुछ यूं खास हो, जो चाहो वो सब कुछ तुम्हारे पास हो, तुमसे जलने वालों का हमेशा सत्यानाश हो। तुमसे जलने वालों का हमेशा सत्यानाश हो, खुशबू से महके तुम्हारा ये जहां ऐसे जैसे तुम एक फूल की कपास हो, चिंता टले सभी तुम्हारी, बस तुम्हारी जिंदगी में अच्छे एहसास हो, और रब से मेरी यही दुआ है कि कबूल तुम्हारी सभी दुआ हो, कबूल तुम्हारी सभी दुआ हो। अरे माइक तो ऑन कर ले मैम। थोड़ी सी स्पीच कहना चाहूंगी क्योंकि हम लोग जा रहे हैं, तो एट लीस्ट अपने टीचर्स को थैंक यू तो बोल दो। डियर टीचर्स, हम चाहते तो थे कि आपकी डांट टूटने को ना मिले,
की डांट कभी सुनने को ना मिले, पर कभी सुनने को ना मिले ये नहीं चाहते थे। इस फेवर के साथ अलविदा तो कहेंगे हम इस कॉलेज को, पर कभी भूल नहीं पाएंगे आप लोगों को। इस बात की हमें तेरी बातों में समझा जिया, शुभम मित्तल, शुभम रंजीत सिंह, देख लिया ना धन्यवाद जी, हमें किस लिए बुलाया था रैंप वॉक करने के लिए? अरे हमने कुछ नहीं करा। अच्छा हो गई कल से नहीं है। तो गाइज मैं अब घर आ चुका हूँ, तो बाकी आप लोगों ने फेयरवेल का पूरा ब्लॉग देखा होगा। और 5 बजे से गए हैं, 5 बजे आया हूँ मैं, और मैं 9 बजे का गया था। तो गाइज बीच में लड़ाई भी हो गई थी, लड़ाई का सीन मैं थोड़ा सा डाल दूंगा ब्लर करके, क्योंकि मैं नहीं चाहता था वो कॉलेज के बच्चे कल को कोई बात हो, इशू उठे, तो उस चीज़ को मैं मेंशन नहीं करूंगा, ना फेस रिवील करूंगा या तो मैं स्टिकर लगा दूंगा। अभी मैंने एडिटिंग नहीं करी है उस चीज़ की, तो मैं उस चीज़ को जब कर दूंगा। और गाइज इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में डालूंगा, पार्ट 1 पार्ट 2। तो अब ये समझ में नहीं आ रहा कि पार्ट 1 पार्ट 2 मैं कैसे करूंगा, मेरे को नहीं पता कि यदि वीडियो मैं पार्ट 2 में डालूंगा लड़ाई वाली की पार्ट 1 में डालूंगा। बट अगर मैं पार्ट 1 में भी डालूंगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से देख लेना। और फिर मैं आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करता हूं। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना, और जो चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और फेयरवेल में आप लोगों की फेयरवेल कैसी हुई मेरे को कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।